हेलो एवरीवन, काफ़ी दिन हो गए, क्लासेस नहीं हुई थी। काफ़ी परेशान थे लोग, अक्सर क्लासेस क्यों नहीं अपलोड हो रही, क्या हो गया, कितना कहाँ बिजी हो रहे हो। तो थोड़ा सा इस तरह की क्वेरीज आ रखी थी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेरी क्लियर कर देता हूँ। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी, जुकाम खांसी हो रहा था, तो थोड़ा सा गला बैठ रहा था, तो बोला भी नहीं जा रहा। हालांकि अभी भी थोड़ा सा गला बैठ रहा है, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो कोशिश करते हैं आज पॉसिबल हो तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा कम टाइम का क्लास होगा, जितना पॉसिबल हो सकता है आज हम लोग कवर करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सॉइल्स, मृदा, राजस्थान में किस तरह की सॉइल्स पाई जाती है, सॉइल होती क्या है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, राजस्थान के कौन से भूभाग में कौन सी जगह पर किस तरह की मृदा, किस तरह की सॉइल पाई जाती है, और किस किस तरह से उनकी को कैटेगराइज किया गया है, वो सारा कुछ हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानने से पहले ये समझते हैं सॉइल या मृदा होती क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका क्या रोल होता है, या उसका क्या रोल प्ले करती करती है सॉइल मृदा फसल के उगाने में। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम लोग देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होगा, कि अगर नहीं पता हो तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ये आपको अपने को पता है, देखो ये है अपनी अर्थ, है ना। अर्थ का सबसे अंदर का पार्ट कौन सा होता है? कोर। उसके बाद में ये कौन सा होता है? एक तो होता है इनर कोर और ये होता है आउटर कोर, है ना। उसके बाद ये वाला पार्ट कौन सा होता है? यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो है वो मेंटल। ये तो हो गया कोर, है ना, ये हो गया अपना मेंटल पार्ट, MENTEL, MENTLE, मेंटल, और MENTLE, और ये हो गया बना क्रस्ट, CRUST, है ना। तो ये तो क्रस्ट अपना ऊपर की लेयर होगी, मेंटल अपनी बीच वाली लेयर हो गई, और कोर अपनी अंदर वाली लेयर होगी। कोर में भी इनर कोर होती है और आउटर कोर होती है। तो जो सॉयल है उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? अपना इस वाले भूभाग पर, जो ये कोर, ये क्रस्ट होता है ना, ये वाला, यहाँ पर होती है मृदा, है ना। अब देखो, मृदा जो होती है वो बनती कैसे है, या उसका फॉर्मेशन क्या होता है, या कौन कौन से फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं। देखो, उस पर देखा जाए तो वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। देखो, उस पर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। जैसे अपना एक फैक्टर हो गया इसमें अपना रॉक्स होते हैं अपना, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। रॉक्स हो गया, जिसको अपन पैतृक सेल्स भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया? क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की वहाँ जलवायु है, उस पर डिपेंड करता है सॉइल। उसके अलावा किस पर डिपेंड करता है? वनस्पति पर, वेजिटेशन पर भी डिपेंड करता है ना, वनस्पति पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है अपना? ये जैसे वेजिटेशन में ह्यूमस वगैरह हो गए, उन पर डिपेंड करता है ना। और उसके अलावा अपना उसके अंदर, जमीन के अंदर के, उस पर भी डिपेंड करता है, नमी पर भी डिपेंड करता है, कि नीचे का, जमीन के नीचे का जो टेम्परेचर वगैरह है वो किस तरह का है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जिन पर डिपेंड करता है सॉइल। और थोड़ा सा अपन आगे की क्लास में ये देखेंगे कि सॉइल, जैसे जैसे आपने सुना होगा कि मृदा अपरदन, जैसे मृदा का इरोजन होना। अब जैसे इरोजन को भी अपन देखेंगे किस तरह से होता है, हवा चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह मृदा चली जाती है, या है ना। और दूसरी बात, अपन जैसे पानी के साथ में भी बहके चली जाती है, तो मिट्टी को काट कटती है, उसको अपन एक तरह से इरोजन बोलते हैं, ठीक है। या मिट्टी का कटना, अपरदन होना, है ना। तो ये तो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, कहाँ की मिट्टी में क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या किस चीज़ की अधिकता है, किस चीज़ की कमी है, किस किस तरह की फसल वहाँ पर उगाई जा सकती है, वो सारा कुछ हम लोग अभी देख लेते हैं। तो देखो, ये है अपना राजस्थान का मैप। राजस्थान के मैप में देखो, सबसे पहले किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, सॉइल पाई जाती है? रेतीली टाइप की, है ना, सैंडी टाइप की। रेतीली मिट्टी हो गई, उसके अलावा भूरी रेतीली मिट्टी हो गई, उसके अलावा भूरी जलोढ़ मिट्टी हो गई, उसके अलावा जलोढ़ मिट्टी हो गई, लाल पीली मिट्टी हो गई, मध्यम काली मिट्टी हो गई,
लाल काली मिट्टी हो गई, लाल लोमी मिट्टी हो गई, है ना। तो ये इस तरह की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। हालांकि इनका कैटेगराइजेशन करें तो बहुत बड़ा है, अपन कभी फ्यूचर की क्लास में बड़े लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनकी कैटेगरी अगर एक एक मिट्टी की अगर कैटेगरी अपन डिवाइड करें तो 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड होती है अलग अलग तरह की मिट्टी। जैसे सपोज अपन रेतीली मिट्टी को देखें तो रेतीली मिट्टी भी 4 पार्ट में डिवाइड है, रेतीली बालू मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी, खारी मिट्टी। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है, और उसके अकॉर्डिंग वो लोकेशन है कि कौन से जिले में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह का कुछ होता है ना। अब अपन देखो एक एक करके मिट्टियों को देख लेते हैं, सॉइल्स को देख लेते हैं, और ये देख लेते हैं इसमें किस किस तरह की मिट्टी में किस किस तरह की चीज़ों का एडवांटेज है, अधिकता होती है, किस किस चीज़ की कमी होती है, और किस किस तरह की फसल वहाँ पर उगाई जा सकती है, एज ए इंट्रोडक्शन। फिर अपन लोग दूसरी तरह की कैटेगरी जो ग्लोबल क्लासिफिकेशन है, विश्वव्यापी वर्गीकरण है, उसके बेसिस पर किस तरह का फॉर्मेशन होता है, किस तरह की को कैटेगराइज किया गया है मिट्टी को, वो भी देख लेंगे अभी। देखो सबसे पहले रेतीली मिट्टी होती है, जो रेतीली मिट्टी का जो भूभाग है वो कौन सा है, ये वाला एरिया है, देखो ये है ना, ये वाला जो एरिया है उसमें रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी में किस किस चीज़ की अधिकता होती है, कैल्शियम तत्व तो उसमें अधिक होते हैं, है ना, और किस किस चीज़ की कमी होती है रेतीली मिट्टी में, वो है एक तो कार्बनिक और नाइट्रोजन और जैविक तत्व की इसके अंदर कमी होती है, किस मिट्टी के अंदर, रेतीली मिट्टी के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में देखो अपनी दूसरी मिट्टी है रेतीली भूरी रेतीली मिट्टी है, जो कि लगभग लगभग 7 जिलों के अंदर पाई जाती है, 7 जिलों के अंदर के कुछ कुछ भाग को मिलाकर के, कई जगह पूरे जिले में भी पाई जाती है, कुछ कुछ जिले में कुछ कुछ जगह पर पाई जाती है, ऐसे करके ये चलता है। जिसमें भूरी मिट्टी में देखो किस चीज़ की अधिकता होती है, फास्फेट जो तत्व तो होते हैं उसकी तो बहुत अधिकता होती है भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर, और किस चीज़ की कमी होती है, कार्बन नाइट्रोजन एंड जैविक तत्व की इसके अंदर कमी होती है भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर। अब फसल की बात कर रहे थे, फसल किस तरह की उगाई जा सकती है इसमें, देखो एक तो तिलहनी जो फसल होती है, सिरोजम तरह की फसल होती है, तिलहनी तरह की फसल होती है, वो यहाँ पर उगाई जा सकती है। अपन ने रेतीली मिट्टी में देखा तो किस तरह की फसल उगाई जा सकती है, बाजरा उगाया जा सकता है, मूंग उगाई जा सकती है, मोठ उगाई जा सकती है, इस तरह की फसल यहाँ पर उगाई जा सकती है। उसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं भूरी जलोढ़ मिट्टी। भूरी जलोढ़ मिट्टी एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला अपना एरिया हो गया, गंगानगर वाला एरिया हो गया ना। और भूरी जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करते हैं तो इसमें अधिकता किस चीज़ की होती है, कार्बन और नाइट्रोजन की, तो इसमें अधिकता होती है और फास्फेट तत्व की इसमें कमी होती है। सेम अगर देखो भूरी रेतीली मिट्टी में देखेंगे तो अपोजिट कर लो, देखो भूरी रेतीली मिट्टी में अधिकता किसकी होती है, फास्फेट तत्व की, जबकि इसके अंदर इसकी कमी होती है। और यहाँ पर फसल किस किस तरह की उगाई जा सकती है, दलहनी और तिलहनी, दाल टाइप की फसल उगाई जा सकती है, तिलहनी टाइप की फसल यहाँ पर भूरी भूरी जलोढ़ मिट्टी में उगाई जा सकती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसमें भी देखो अपना थोड़ा थोड़ा देखो एरिया कौन कौन सा कवर हो सकता है इसमें, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, है ना। तो ये एरिया अपना यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो अपनी दूसरे एरिया, और ये वाली जो रेंज है वो खाली है। वो क्यों खाली है, यहाँ पर आपको पता होगा क्या है, यहाँ पर अरावली रेंज, पहाड़ हैं तो पहाड़ के ऊपर क्या होगा, नहीं होगा ना, सॉरी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अपने देखो ये जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से एरिया कवर हो सकते हैं। अपने देखो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से और ऊपर आएंगे तो अपना देखो कौन सा एरिया हो सकता है यहाँ पर, और भी जो अब मैंने देखो मैंने मैप के थ्रू इनको क्यों समझाया, इससे आपको देखो क्लियर हो जाएगा, मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि कौन से ज़िले में कौन सी मिट्टी होगी, क्योंकि आप अगर मैप में देखोगे तो अगर आपको मैप पता है, मैप में अगर ये पता है कौन सी जगह पर कौन सा जिला होता जिला है स्थित है, उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा लोगे कि कौन से ज़िले में कौन सी मिट्टी होने वाली है। अब सपोज़ अगर मैंने अगर यहाँ बना दिया तो आप ये आइडिया लगा लीजिए यहाँ पर कौन कौन से ज़िले होंगे, ठीक, जलोढ़ मिट्टी में भी कौन कौन से ज़िले आएंगे, सेम लाल पीली मिट्टी में यहाँ पर कौन कौन सा एरिया होता है, आप उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हो। सेम अब देखो मध्यम काली मिट्टी की बात कर लेते हैं, मध्यम काली मिट्टी में देखो जो कमी है वो सभी पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के अंदर उनकी कमी होती है, और जो अधिकता है वो किस चीज़ की, पोटास की इसमें अधिकता होती है। और ये जो हाड़ौती एरिया है इसमें किस तरह की फसल उगाई जा सकती है, इसकी मिट्टी में काली तरह की मिट्टी होती है, इसमें मसाले उगाए जा सकते हैं, जैसे क्या हो गया जो भी मसाले वाली फसलें हैं वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे की साइड में आते हैं तो ये अपना कौन सा चित्तौड़ बांसवाड़ा वाला एरिया आ जाएगा, इसके अंदर कौन सी मिट्टी होती है, लाल काली मिट्टी होती है।
लाल काली मिट्टी में देखो जो अधिकता होती है वो किसकी होती है, बेसाल्टिक तत्व की, तो इसमें अधिकता होती है। और किस चीज की कमी होती है, सभी पोषक तत्व, सभी जो पोषक तत्व होते हैं उनकी इसके अंदर कमी होती है। एरिया कौन कौन सा कवर करती है, मैप के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो यहाँ पर कौन कौन से एरिया है। भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा हो गया, बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ठीक है। तो अब इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो, मैप में देख के आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से एरिया इसमें कवर हो रहे हैं। उसके अलावा ये वाला जो एरिया है उदयपुर डूंगरपुर वाला, लाल लोमी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती जाती है, चार जिलों को ये मिट्टी कवर करती है। और इसमें जो कमी होती है, सभी पोषक तत्वों की कमी होती है। और इसमें जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी होती है, मक्का टाइप की यहाँ पर फसल उगाई जा सकती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अपन ने ये सारा कुछ, ये मिट्टी देखें किस किस तरह की यहाँ पर मिट्टी होती है, उनका किस किस तरह से डिवाइडेशन हो रखा है। हालांकि अपन ने ये डीप में नहीं पढ़ा, डीप में अगर अपन जाएंगे तो बहुत कुछ इसमें, कम से कम 2 से 3 घंटे का अपन को क्लास लेना पड़ेगा। तो हम लोग फ्यूचर में जब भी डिटेल क्लास पढ़ेंगे, हम लोग उसमें सारा डीप में जाके कवर करेंगे, एक एक मिट्टी को कवर करेंगे, जैसे भूरी रेतीली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, किसकी किसकी क्या विशेषताएं होती हैं यहाँ पर, किस किस तरह की मिट्टी का एडवांटेज क्या है, कहाँ से बन करके ये आती है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, या फिर ये इस तरह की मिट्टी की जी विशेषता है तो क्यों है, वो सारा कुछ हम लोग डिटेल क्लास में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन देख लेते हैं, देखो ये तो एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन हो गया, अब अपन ग्लोबल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ग्लोबल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, देखो ग्लोबल क्लासिफिकेशन को उसी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया गया है। तो देखो उसको अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें इसमें भी सब कैटेगरी हैं, इसमें भी बहुत सी अब कैटेगरी हैं, वो अपन डिटेल क्लास में देख लेंगे। देखो देखो इसमें देखो 1 2 3 4 5 तरह की अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है मिट्टी को ग्लोबल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें कि एक एंटीसोल हो गई, जिसका सब कैटेगराइज सामेंट एंड फ्लूवेंट के नाम से इसको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कौन सा हिस्सा कवर होता है। मैप में देख के आइडिया लगा सकते हो कि इसमें कौन कौन से जिले कवर होते होंगे, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, और अपने सामने अगर एटलस हो तो एटलस रख लो, या फिर अगर कोई मैप हो राजस्थान का तो वो रख लो, और अपने मैप को रख करके वो इसको पॉइंट आउट करो कि यहाँ पर कौन सा प्लेस हो सकता है। सपोज ये बीक या जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, है ना, चुरू हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया। अब आप इस तरह से जब उनको टिक करोगे तो आपको मैप के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और आपको पता भी चल जाएगा इस जगह पर कौन सी मिट्टी हो, किस तरह की मिट्टी होगी, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी, अरेडी सॉइल हो गई। अरेडी सॉइल में भी आर्थेड कैटेगरी के अंदर भी और भी सब कैटेगरीज हैं, वो अपन डिटेल क्लास में देख लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो कि किस तरह की यहाँ पर कैटेगरी बन सकती है, ठीक है। उसके अलावा एल्फी सॉइल्स हो गई। अब एल्फी सॉइल्स का एरिया देखोगे तो कौन से एरिया को कवर कर रही है, आप आइडिया लगा सकते हो गया धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, इधर से और जो यहाँ पर जो जिले आते हैं वो सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये एल्फी टाइप की सॉइल्स हो गई। अब एक इनसेप्टी सॉइल्स हो गए। इनसेप्टी सॉइल्स में इनसेप्टी मिट्टी में कौन कौन से जिले कवर होते हैं वो आप देख सकते हो मैप के थ्रू, आप एक बार मैच कर लेना। देखो बांसवाड़ा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा, और अगर ऊपर आओगे तो बढ़ते चले जाएंगे, जालौर आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, है ना, क्लियर हो गया। उसके अलावा एक वर्टिसोल्स भी है। वर्टिसोल्स में हाड़ौती वाला एरिया कवर हो जाएगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जो भी एरिया है यहाँ पर आते हैं 12, ठीक है, वो सारा कुछ इसके अंदर कुछ कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक तो ग्लोबल क्लासिफिकेशन देखा, और एक देखा अपने एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन देखा कैटेगराइज करके कि किस किस तरह से अपन मिट्टी को डिवाइड करते हैं, कैसे कौन कौन सी जगह पर ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इतना आपको ज़रूर करना है, ये आपका होमवर्क है, आपको ज़रूर देखना है। मैंने नहीं बताया कि कौन से ज़िले में कौन सी मिट्टी आएगी, आप जितना कोशिश करोगे आपके खुद के माइंड से क्लियर होगा, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैप लो राजस्थान का, और मैप लेकर पॉइंट नोट आउट करो कि यहाँ पर ये मिट्टी होगी, उसके बाद उसको क्रॉस चेक करो कि हाँ ये सही है कि नहीं है, मैंने जो पॉइंट आउट कराया वो सही है कि नहीं है, क्रॉस चेक करो, उससे आपके खुद के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और समझ में भी आएगा कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। और कोई डाउट हो थोड़ा सा, क्लास आज की ज़्यादा कुछ खास क्लास नहीं है, थोड़ा सा तबीयत को लेकर के है अभी प्रॉब्लम, फिर भी कोशिश करते, काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो डाले हुए, तो मैंने सोचा आज वीडियो डाल देते हैं, जैसा भी डले कोशिश करते हैं बेटर, जितना बेटर करने की, ठीक है। और बाकी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, बाकी अगर अच्छा लग रहा हो तो देखते रहिए,
कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी अगर पसंद नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दीजिए। बाकी आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली अपडेट्स आते रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना।